हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से स्वस्थ है, अपने अपने कामों में मस्त व्यस्त है। तो दोस्तों, आज एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं आशा नहीं, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ तो एक को एक टिप्स मिल ही जाएगा जिसको आप अपने किचन में अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम किचन क्या होता है, वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड होता है। जैसे कि हमारे कपड़े, एक के कपड़े दूसरों में बहुत कम फिट आते हैं, वैसे किचन भी एक का किचन दूसरे को कंफर्टेबल नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। लेकिन कुछ टिप्स जो होते हैं ना, वो टिप्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ये सारे टिप्स को मैं इस वीडियो में आपके साथ इकट्ठे शेयर करने जा रही हूँ, सो दैट आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो कि हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज करना है, थोड़ा सा मेकओवर कर लूँ तो अच्छा रहेगा, एंड छोटा किचन, रेंटेड किचन में बहुत कुछ फिट कराना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं 2 महीने से लगी पड़ी हूँ कि हाँ, मुझे ये करना है, करना है, करना है। लेकिन मैं कुछ हड़बड़ी में नहीं करना चाहती। मैं चाहती थी कि हाँ, आप लोगों के साथ ऐसा कुछ टिप शेयर करूँ बहुत यूजफुल भी। वैसे तो किचन बहुत दिन पहले ही रेडी हो गया था, लेकिन उसके बाद दशहरा आया, फिर उनके पापा आए, फिर बहुत काम हुए, दैट इज बहुत खाना बने, तो किचन गंदा हो गया था। फिर से इसको ऑर्गेनाइज करने पड़े। थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करी हूँ बिकॉज ये अर्बन क्लब को फिर से मैं बुलाऊंगी, एंड फिर से पूरा किचन एंड पूरा घर दिवाली के लिए क्लीन कराऊंगी, तो फिर से गंदा हो जाएगा, तो उस टाइम शो करूंगी। फिलहाल के लिए जो है वो मुझे बहुत यूजफुल लगा है, टेस्टेड है, दशहरा में ऑलरेडी मैं इसको यूज करी हूँ, एंड कोई भी मुझे मुश्किल नहीं हुआ, बहुत खाना बने, बहुत इधर उधर भी है, मतलब किचन जो फैला जाता है वो भी हुआ। देयर आफ्टर ऑल्सो मुझे कंफर्टेबल फील हुआ। लास्ट ईयर जैसे मैं संघर्ष कर रही थी, इस ईयर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये टेस्टेड पैरामीटर में टेस्ट करने के बाद कुछ शेयर करूँ तो ऑब्वियसली लोगों को उससे हेल्प मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और यहाँ पे क्या क्या मैं इस्तेमाल करी हूँ, उसका क्या प्राइस है, वो भी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं खुद लिख दूंगी, सो दैट कि आप लोगों के लिए वो यूजफुल रहे। तो चलो इस साइड से ही शुरू करते हैं, मैंने क्या क्या काम करा है, कैसे करा है, सब कुछ शेयर कर दूंगी। एंड ये है किचन का एंट्री, जहाँ पे राइट साइड में मैंने अभी फ्रिज को ऑर्गेनाइज किया है, एंड छोटा फ्लैट है इसलिए ये एंट्रेंस में ही मेरा ये सब सामान भी रखने पड़े, क्योंकि यहाँ पे जगह था। ये वाला बॉक्स मैं 2-3 दिन पहले रेडी करी हूँ, इसमें भी बहुत सारे यूटिलिटी के सामान भर जाते हैं। जैसे कि अभी मेरा स्टोरेज बढ़ गया है ना, सो दैट कि मेरे को अभी सामान कम लग रहे हैं एंड स्टोरेज ज़्यादा लग रहे हैं। अब देखो, ये वॉश के लिए जो मैट इस्तेमाल करती हूँ, वो सॉस के जो पाउच आते हैं वो सब मैं यहाँ पे रखी हूँ, गंदा होने से प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे मेरे गार्डनिंग के सारे सामान मैं जो बॉक्स में रखती थी अमेजोन के, वो सारे कर दी हूँ। एंड ऊपर में आप बारीक कुछ नहीं रख सकते हैं, दैट्स वाई ये रखे हैं, जस्ट सॉल्ट एंड पेपर जो डेली बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा यूज होता है वो, एंड टिश्यू पेपर, ये रिबू के यूजफुल सामान मैंने यहाँ पे। देयर आफ्टर ये मैंने शायद दिसंबर में खरीदी थी ये वाला, ये एक्चुअली में है आपका बुक सेल, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं इस तरीके से ही कर रही हूँ कि किचन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा फॉर रेंटेड हाउस, एंड देयर आफ्टर मैं इसको जब हम नए घर में शिफ्ट होंगे, जो कि रिबू का नया घर होगा, वहां पे वो एज अ मैं बुक कोई सेल। भी चीज खरीदती हूँ ना, तो उसका फ्यूचर यूटिलिटी को सोच के ध्यान में रखते हुए मैं खरीदती हूँ। तो ये वाला यहाँ पे तो किचन में रेंटेड हाउस में काम आ जाएगा, देयर आफ्टर क्या होगा, हमको फेंकने पड़ते, लेकिन वो इस्तेमाल रहेगा, प्योर वुडन है, वुडन स्ट्रिप से हमने खरीदा है। देयर आफ्टर उसके ऊपर हम माइक्रो ओवन रखे हैं, देयर आफ्टर मिक्सी रखे हैं, वो जो तो पहले ऊपर का हिस्सा दिखाते हैं, इसके ऊपर माइक्रो ओवन है, उसके ऊपर एक ट्रे है जहाँ पे टिश्यू पेपर ऑलवेज हर टाइम मैं स्प्रेड कर देती हूँ, सो दैट कि आप आपको निकाले तो भी आपका कोई मैला नहीं रहेगा, अंदर कुछ नहीं जाएगा। देयर आफ्टर ये जब ट्रे गंदा हो जाएगा, टिश्यू पेपर उठाओ, दूसरे काम में लगाओ, पोछने के लिए, कुछ करने के लिए, और एक टिश्यू पेपर लगा दो डेली बेसिस पे, आपको इसको धोने की रेगुलर रूटीन में नहीं रखना पड़ेगा। देयर आफ्टर मैं इसका एक कवर खरीदे हूँ, जो कवर मैं 1 मंथ से यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो एकदम बड़े रास्ते के ऊपर घर है, लेकिन ये कवर उतना धूल मिट्टी कैप्चर नहीं करता, एंड इसको ऐसे वॉश कर, मतलब पोछा लगा देती हूँ, वो साफ हो जाता है। एंड इसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक स्टैंड लगाया है, ये वाला, ये 3 सेट में आया था, और मैंने टीवी के ऊपर सेट किया, एक मैंने यहाँ पे रख दी हूँ, सेम मेरा है कि टिश्यू पेपर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। यहाँ पे जो मेरे अच्छे कप्स कलेक्शन है वो मैंने रखी हूँ, सजा के दिखने में भी अच्छा लगता है, एक शो पीस, दैट मीन्स आर्टिफिशियल फ्लावर। आफ्टर ये टी ट्राई
क्राइसिस मैनेजमेंट सिंस 1652, ये मुझे बहुत पसंद था, मैं अमेजोन से खरीदी, देयर आफ्टर उसको मैं बाइंडिंग कर रही हूँ, उसको रखी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। टीपीओ भी अच्छा लगता है एंड ये वाला तो मुझे बहुत पसंद है। देयर आफ्टर मिक्स अलग से अटैचमेंट अब छोड़ी दो, लेकिन इसके ऊपर का जो कवर है ना, ये मुझे बहुत हेल्प कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कि आप मतलब इसको भी साफ करना बहुत मुश्किल है, कवर लगा दो तो वही रास्ते के ऊपर घर है, सेफ हो जाता है। देयर आफ्टर ये एक ट्रे है जिसके ऊपर मैंने ये रखे हैं, कभी कभी इसके ऊपर मैं पानी भी रख देती हूँ, जितने के लिए जो भी हो किचन के टावल सब कुछ यहाँ पे एक बास्केट में मैंने रखती हूँ। मेरा एक शौक है कि मैं हमेशा स्टोरी सुनती हूँ या फिर जो भी बोलो गाना सुनती हूँ, बहुत कुछ सीखने के लिए यूट्यूब चाहिए, यूट्यूब देखने के लिए टाइम नहीं होता, तो मैंने ये स्पीकर रिबू ने मुझे नौकरी मिलने के बाद दिया था, और तो स्पीकर यहाँ पर लगा देती हूँ, देयर आफ्टर वो चलता है। ये था एक बेलन चाकी जिसको अभी मेरे को नहीं चाहिए, वहाँ पे प्लेस करने के लिए जगह नहीं है, तो इसको मैं हैंग करने के लिए रखी हूँ। ये सारे नेट जो होते हैं, जैसे ही हम अभी जा रहे थे सब्जी लाने, तो सब्जी लाने के बाद ये सब का इस्तेमाल होता है। देयर आफ्टर ये गार्बेज रैक, ये वाला एक यहाँ पे टांग दी हूँ, देखो ये मेरे पास बहुत है, तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हो, उसको टांगने के लिए, किसको टांगने के लिए, एक चाहू तो यहाँ पे एक मैं प्लांट भी हैंग कर सकती हूँ। ये है मेरे प्लांट, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लांट ऑल्टरनेटिवली आके रहेगा, जैसे कि बारिश आ रही थी तो ये वाला और पानी नहीं ले सकता, इनको यहाँ पे प्लेस कर। ये रैक एंड ये रैक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पूजा से पहले, मैंने इसको लगाया है। यहाँ पे एक चीजें बाकी रह गई थी उस दिन, वो जल्दी में हड़बड़ी में चले गए थे, तो यहाँ पे एक लगेगा, ये एक लगेगा। इसके बाद क्या होगा, कप्स भी मैं रख सकती हूँ यहाँ पे, अगर डब्बा ज़्यादा हो जाएगा तो कप्स भी रख सकते हो, एंड जो स्पैचुलास होता है उसको भी रख सकते हो। ये वाला वो अभी नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये वाला अभी फिटिंग नहीं हुआ था, ये फिटिंग हुआ। देयर आफ्टर ये सब्जी की झूड़ी, ये भी हमने खरीदा था लास्ट ईयर ही, एंड इसका तो इस्तेमाल इस तरीके से होता है। एंड ये झूड़ी जो यहाँ पे रखने के लिए एक्स्ट्रा जगह नहीं है, तो यही पे प्लेस है। एंड यहाँ पे है और एक जिसमें बहुत सारे छोटे मोटे सामान जो लगते हैं वो सब होता है, जैसे कि क्लीनिंग एजेंट ज़्यादा से ज़्यादा है। ऊपर में मैंने वाटर प्लेस की हूँ, सो दैट इसको गर्म करने के लिए यहाँ सब वाटर है। अभी यहाँ पे आते हैं बुक सेल्फ, आप लोगों ने बहुत बार वो वीडियो में मुझे ऑर्गेनाइज करते हुए देखे हो, लेकिन इस बार मैं ये सोल्यूशन ढूंढ निकाली हूँ, दैट इज ये वाला बॉक्स। ये बॉक्स बहुत ही कम प्राइस में आते हैं, 200 से 250 रुपया, कभी कभी डिस्काउंट में, जैसे अमेजोन सेल अभी भी चल रहा है दिवाली सेल, इसमें आप खरीद सकते हो। हर टाइम क्या होता है, आपका छोटा छोटा डब्बा में सारे कुछ मसाले बॉक्स में, स्पाइस बॉक्स में नहीं जाते हैं, कुछ आपको स्टोर करने ही करने पड़ते हैं। एंड ये स्टोर में आप देख पाते हो कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, दैट इज ये रिबू का मंचिंग बॉक्स। माँ कहाँ है, चीज़ें यहाँ पे रख दूँ तो रिबू कहाँ है, नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। इसमें उसको जो चाहिए मैं रख दूंगी, शायद यहाँ से लेके इस पे रख दूंगी, सो दैट कि वो चॉइस के हिसाब से ले पाए, ज़्यादा टिक टिक ना करे। मेरा जो सामान है कहाँ गया, गुम हो गया, नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देख ले भाई, देख यहाँ पे कहाँ कहाँ है, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो इस तरीके से दो का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हो, इसका ये। एंड थर्ड वन मैंने राइस रखे हैं, और दो मुझे चाहिए यहाँ पे फिट करने के लिए, सो दैट आटा मैदा ये सब मुझे चाहिए। इसमें यूजुअली मैं आलू रखती थी, उससे पहले रिबू का मंचिंग बॉक्स ये हुआ करता था। ये मल्टीपर्पस एक नेट का बॉक्स है, ये 100 रुपया में आपको अमेजोन में मिल जाएगा, 100-150 में मिल जाएगा। लेकिन ये भी आप सोच सकते हो, मैं 3 साल से यूज कर रही हूँ, वॉशिंग मशीन में धो देती हूँ, इसका भी वो उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो इस बॉक्स की जगह में, बट बॉक्स मुझे कन्वीनियंट लगे, ये गंदा नहीं होता, ऊपर से क्लीन कर दो, वेरी यूजफुल। तो ये ओपन प्लेस दिखने भी खराब नहीं लगता एंड वेरी यूजफुल होता है, सो मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा। यहाँ पे टोस्टर जिसको मैं ढक के रखी हूँ, अंदर में नहीं दे रही हूँ, बिकॉज वही रेंटेड में स्टोरेज का प्रॉब्लम है। राइट साइड में फॉइल पेपर, आपका घी डालना जो होता है वो, हैंड ग्लव्स, ये सब है, थोड़े से कुछ सीड मैंने रखे है उसके नीचे जो मुझे उगाने हैं। तो इस तरीके से इस जगह का डेकोरेशन। अब चले आओ यहाँ पे, किचन खाली मिलना बहुत मुश्किल, आज कुकिंग हो गया है, हम बाहर जाने वाले थे, अभी नहीं गए तो वीडियो करके रख रहे हैं, क्योंकि अभी वेदर सही हो गया है, थोड़ी देर पहले बहुत बारिश हो रही थी।
दैट इज ये गैस स्टोव, ये वाला मैं अलग से मेंशन नहीं कर रही हूँ, इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। तो ये मैंने खरीदा है अमेजोन से, जो ऑब्वियसली सेल में मुझे सस्ता मिला था। एंड ये जो कंपार्टमेंट है 1 2 3 4, जिसका रिवो एक इस्तेमाल करके ऐसे रखे हैं, ये हैंड वॉश एंड यहाँ पे जो कटिंग के सामान होते हैं ये सब यहाँ पे रखे हैं। ये वाला डीमार्ट से खरीदी, ये अमेजोन से, ये आप खरीद सकते हो, वेरी यूजफुल है। ये पहले से ही था, यहाँ पे मैंने ऐसे फिट कर दिए हूँ ये सब कुछ। एंड यहाँ पे कुकिंग करो, नमक हल्दी आपके हाथ के सामने, मस्टर्ड वाइल कॉम ये चाहिए, वो वाला छोटे मोटे सामान यहाँ पे रखे हैं। दैट इज यहाँ पे एक मैंने डिश वॉशर में धो दी थी, तो इसको ऐसे डिस्पेंसर मैंने इसलिए खरीदा है, सिंगोरा का है ये। एक तो ये सस्ता था, सस्ता चीजें अच्छा लगता है, ऊपर से स्टील का है तो आराम से मैं डिश वॉशर में धो सकती हूँ। कंटेनर में ऑयल पोर करना बहुत सुविधाजनक है, ये भी एक कारण है, नहीं पड़ेंगे। एंड देयर आफ्टर यहाँ पे मैंने जो रखे है ना, वहाँ पे एकदम टिश्यू पेपर हर जगह पे है, जितना भी मेरा ये कवर रहे, ये भी अमेजोन से खरीदे, सस्ता है एंड इजीली क्लीन कर सकते हो। तो ये वाला मैं चेंज कर दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए अभी यही है। छोटा कंटेनर यहाँ पे चाय पत्ती का एक छोटा कंटेनर, जो कि ग्रीन, जो कि दार्जिलिंग टी है। देयर आफ्टर एक प्लांट, इसको आप डिटेल में देखो तो देखो, ये वाटर में मैं ग्रो कर रही हूँ, इस तरीके से एक प्लांट है जिसमें मैंने ऑब्वियसली वास्तु के हिसाब से ही रखी हूँ। एंड ग्रोथ रहेगा, नॉर्थ ईस्ट का साइड है ये, हाँ ये नॉर्थ ईस्ट का साइड है, ये ईस्ट का साइड है। कायदे से देखो तो इस जगह पे कुकिंग करना चाहिए, नहीं तो साउथ में कुकिंग करना चाहिए, ये अग्नि स्थान है, लेकिन मेरे को ये ईस्ट दिशा ही मिली है, तो मैं ये सो दैट कि ये मेरे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आएगा। अगर गलत दिशा में आप कुकिंग करते हो तो घर के जो वुमेन होते हैं, औरतें होते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट आता है। नॉर्थ में तो आप कुकिंग नहीं कर सकते हो, फिर भी ईस्ट में थोड़ा कोशिश कर दो। ये नॉर्थ का वाइब है, ब्लू कलर वो खरीदी थी, ब्लू वाला मिल गया था मार्च में, हाँ रिसेंटली मैंने कॉमर्शियल स्ट्रीट से ये खरीदी थी। तो ये दो चीज़ें मैंने ऊपर पे रख दी है, छोटे मोटे जो सामान होता है जैसे बेकिंग पाउडर ये सब वहाँ पे चला जाता है, क्योंकि गैस का होल नीचे है एंड वहाँ से इतना ज़्यादा पाइप आता है। आप रेंटेड होम में आपको, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा एडजस्ट। देयर आफ्टर ये नीचे का जो जगह है, जैसे क्लीन करने के बाद आप मिल्क हो ये हो, यहाँ पे तो स्पेस कम है, यहाँ पे रख सकते हो। तो ये वाला है जैसे चाय यहाँ पे बना के है, ये कुकिंग करने के बाद रखने के लिए आप एक तो प्लेटफॉर्म चाहिए, सब कुछ लेके तो वहाँ पे मैं भर्ती नहीं कर सकती है ना, मिस कर गई। यहाँ पे मैंने एक लाइट ऐड किया, ये लाइट ऐड करने के बाद एंड जो मैंने ये वाला किया था वो इतना अच्छा लगता है ना, वाइब आप लोगों को देखो, दूर से भी अच्छा लगेगा, यूजफुल तो है ही। ये कैबिनेट लाइट आपको कोई होल फोल कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन कर लेना है एंड उसके अंदर ही है रहता है, तो आसानी से वो फिट भी हो जाता है। तो इस तरीके से किचन का लुक पूरा ही चेंज हो गया है, कैसे था पहले एंड अभी कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एंड स्पेशली ये वाला मतलब कुछ दिनों के बाद ही चेंज कर दो तो भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना, पूरा लुक घंटा लुक ही किचन का चेंज हो गया, लगता नहीं है कि ये रेंटेड हाउस का किचन है, सब कुछ ऊपर से आर्टिफिशियली किया गया है, ऐसा लगता नहीं है, भी हो गया है मेरा किचन का। मेरे को खासकर खुद को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं शेयर कर। देयर आफ्टर बहुत बार मैंने आप लोगों को ये अंदर का स्पेस दिखाए, आप देख ही सकते हो स्पेसियस तो हो ही चुका है, लेकिन ये खोलो तो आपके नाक पे ऊपर, नाक के ऊपर आके धक्का मारेगा ये वाला चीज, ये थोड़ा सावधानी से खोलने पड़ता है। देयर आफ्टर देखो ऊपर में इतने स्पेसेस है, यहाँ पे भी इतने स्पेसेस हैं, है ना, आपको चाहो तो रख भी सकते हो, लेकिन अभी मेरे को रखने के लिए कुछ मतलब चीजें कम पड़ रहे हैं, इतना स्पेस मेरा क्रिएट हो चुका है। अभी तो हम बाजार जाएंगे, फिर कुछ सामान लाएंगे एंड उसके बाद शायद पोर करने के लिए कुछ दिखा दूँ, लेकिन जब भी मैं वीडियो करती हूँ मेरे वही सिचुएशन आता है कि हाँ उतना खाली खाली दिखाती हूँ, आई डोंट नो हुआ ये वैसी सिचुएशन है। अब मेरा जाना नहीं हुआ था दशहरा में, इसलिए इस तरीके से है। तो अभी इतना छोटे जगह पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ इस साइड से, कि इतना छोटे जगह पे मैंने इतना स्पेस बना लिया है कि अभी चीज़ें ही कम पड़ रहे हैं। तो ये है मेरा किचन टूर एंड छोटे मोटे कुछ सामान का डिटेल्स, जो आप चाहो तो इसमें से कुछ ना कुछ अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो, आपको हेल्प ही करेगा जो भी हो। तो
तो इस तरीके से पूरा लुक मैं अपने साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो एंड कुछ हेल्पफुल भी लगेगा। लेकिन सबसे पॉजिटिव वाइब यही कॉर्नर देते हैं एंड उसके बाद है ही ग्रीनरी पॉजिटिव वाइब देने के लिए। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताओ। एंड ये कप कलेक्शन है जो मैंने यहाँ पे आने के बाद ही, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ दे सकते हो। आई होप आगे भी मैं आप लोगों के साथ अच्छा अच्छा वीडियो शेयर कर पाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी स्टे ब्लेस्ड, सी यू सून। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के पास कोई भी एडवाइस हो तो शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने जैसा बोला किचन फिर से मैं साफ सफाई करूंगी, किचन फिर से दिवाली के लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगी। उनमें आप लोगों को लगता है कुछ भी मिस हो गया था, उस सजेशन आप दे सकते हो सो दैट कि हम दोस्ती निभा पाए। एंड बाकी ये किचन साफ होने के बाद इसका प्लेसमेंट होगी, तो डेकोरेटिव आइटम किचन साफ होने के बाद मैं प्लेस करूँगी।